न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाद डिस्कस कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लोबल वार्मिंग आजकल आपने सुना होगा कि दुनिया के अंदर जो है वो डिफरेंट सोसाइट डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं जिसमें आपकी वेल डिवेलप कंट्रीज होती हैं वो यूरोप के अंदर स्पेशली फ्रांस के अंदर जो होता है वो सर्टेन एग्रीमेंट पे साइन करें जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की इमीशन को मिनिमम या लेस करना होता है तो ये इतना शोर क्यों है कार्बन डाइऑक्साइड से वो तो एक मासूम सी गैस है जो कि प्लांट्स यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट जैसे ही हम लोगों ने पॉपुलेशन जो है वो हमारी ग्रो होना शुरू हुई है हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया क्योंकि जब हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती है और क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है तो जो ट्रीज़ हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज़ हो रहे हैं so, सो दैट्स आई कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल करने के लिए कोई भी चीज़ जो है वो प्रेजेंट नहीं है और कार्बन डाइऑक्साइड जब इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ होती है तो वो इन्वायरमेंट के अराउंड एक ब्लैंकेट क्रिएट करती है जो कि हीट को ट्रैप कर रहा है और जिस वजह से आपकी जो है वो अर्थ का टेम्परेचर डे बाई डे रेज़ हो रहा है और इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं अब कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकिल करने के लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ है पौधे और अगर आप पौधे जो है वो क्योंकि वक्त के साथ साथ डिक्रीज हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्रिएट हो रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को क्रिएट करने वाली बहुत सी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हो जिसमें क्रूड ऑयल आ जाता है आपका कोल आ जाता है आपका ऑयल आ जाता है तो उसके बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो इन्वायमेंट में रिलीज़ हो रही होती है फिर आपकी जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें जो आपकी वेस्ट गैसेज होते हैं वो भी क्रिएट करी होती हैं क्योंकि फिर आपके वहीकल्स के अंदर जो होता है वो आपकी कार्बन डाइ आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं तो उस वजह से जैसे आपके वहीकल्स जो होंगे वो मूव करेंगे वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे उस टाइम भी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जो है वो रिलीज होगी और फिर सबसे आखिर में क्योंकि हम लोग जो है वो प्लांट्स की बहुत ज़्यादा कटिंग करें न्यू सोसाइटीज़ को डेवलप करने के लिए इसलिए हमारा जो है वो क्योंकि प्लांट्स रिसाइकलर हैं ऑफ़ द तो कार्बन डाइऑक्साइड और जब प्लांट्स नहीं होंगे जब फॉरेस्ट नहीं होंगे तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिसाइकल करने वाला कोई नहीं होगा और वो इन्वायरमेंट पे इंक्रीज होती जाएगी अब ये सारा जो है ये सारे फैक्टर्स मिलकर आपके अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करें जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं अगर मैं ट्वेंटी सेंचुरी की बात करूँ ना तो उसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन थी। लेकिन अब जो है कार्बन परसेंटेज हो गई है ये डिक्रीज नहीं होगी बल्कि इंक्रीज होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम तो अब जब कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगी और ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगी तो उससे इन्वायरमेंट में जो है वो काफी ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखे कि आने वाले जो समर टाइम होता है वो पिछले समर टाइम से ज्यादा हॉटर होता है या इवन जो अब आपकी सर्दियां हैं इवन अगर हम इस्लामाबाद में भी रहते हैं तो वहाँ के जो टेम्परेचर है या विंटर्स जो हैं वो आपको इस तरह की कोल्ड विंटर्स नहीं लगती थी जितनी आज से दस साल पहले थी तो उसकी एक बड़ी रीजन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आपकी अर्थ के टेम्परेचर में वन डिग्री हर ईयर जो होता है वो ऐड करी होती है जिसकी वजह से हमारी गर्मियाँ ज़्यादा गर्म और हमारी सर्दियाँ जो हैं वो इतनी ठंडी नहीं रही फिर उसके बाद जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारे जो पोलर आइस है वो मेल्ट हो रही है और पोलर आइस जो है वो आपकी मेल्ट होने की वजह से सारा पानी समुद्रों में जा रहा है और ये चीज़ कही जाती है कि अगर आपके समुद्रों का जो सी लेवल है वो रेज होगा और मजीद रेज होता गया तो आने वाले 2050 के अंदर आपके जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं जिसमें कराची न्यूयॉर्क मालदीव आइलैंड्स, इंडोनेशियन आइलैंड्स, वो सारी जो है वो पानी के अंदर कम्प्लीटली डिसपेयर हो जाएंगी और फिर आपका जो हमारे कंट्री का भी बिलव सिटी है उसका नाम निशान भी बाकी नहीं रहेगा तो इसीलिए जो है वो हम सबको जो है इस चीज़ को इंश्योर करना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की इमिजन जो है वो डिक्रीज करें इंडिविजुअली भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी और इसलिए आपके जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो मिलके डिफरेंट सोसा ईयरली जो होता है वो कॉन्फ्रेंस करती हैं और एग्रीमेंट करती हैं कि हर कंट्री जो है वो इंश्योर करेगी कि वो लेस परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्रिएट करे इन्वायरमेंट में थैंक यू